हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, महेश्वर डैम जो कौन सी रिवर के ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर। अभी क्या हुआ है, जो भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने क्या सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया विद महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा रिवर क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो महेश्वर डैम है वो किस रिवर के ऊपर है, नर्मदा रिवर पे। ये याद रखना क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। अब नर्मदा रिवर के कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये कि लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन। जैसे हमें टू मेजर रिवर्स पता है, एक क्या है, नर्मदा है, एक ताप्ती है। दोनों में से जो लार्जेस्ट है वो कौन से, नर्मदा रिवर है। ये वैसे मोस्टली रिवर्स जो होते हैं वो क्या ईस्ट फ्लोइंग होते हैं, ये क्या वेस्ट फ्लोइंग होते हैं, क्योंकि ये कहाँ से फ्लो करते हैं, रिफ्ट वैली से। अगर हमें इसका लोकेशन पूछ लें तो ऊपर ऊपर क्या है इसके, विंध्यन रेंज है, नीचे क्या सतपुड़ा रेंज है, बीच में से क्या फ्लो होती है हमारी, नर्मदा रिवर। अगर इसका ओरिजिन पूछा जाए तो कहाँ से, माइकल रेंज में, नियर अमरकंटक इन द मध्य प्रदेश। याद रखना कभी कभी ओरिजिन पूछ लेते हैं यूपीएससी कि कहाँ से ओरिजिन है, तो माइकल रेंज नियर द अमरकंटक। अब जो इसके बेसिन है नर्मदा रिवर का, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट से फ्लो होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि इस पे क्या है, एक वाटरफॉल है, कौन सा, दुआधर वाटरफॉल है, कहाँ पे, नियर द जबलपुर रीजन, ठीक है। इसके बाद सेवरल आइलैंड्स इन द एस्चुरी ऑफ नर्मदा, जैसे एलियाबट आइलैंड है जो क्या है लार्जेस्ट है। अब हमें हर रिवर के क्या है ट्रिब्यूटरीज को क्या है लर्न करना होता है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं, हिरन और सांग, बरना एंड कोलर। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सी ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर एंड महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि हमें पता है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, सोशल मूवमेंट थी जो किस किस ने स्पीयर हेड की थी, ट्राइब्स थे उसमें, फार्मर्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। क्यों इन्होंने क्या मूवमेंट चलाई थी, अगेंस्ट द नंबर ऑफ लार्ज डैम प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द नर्मदा रिवर, क्योंकि इनके क्या लाइवलीहुड जो होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इनको क्या किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है। तभी लोगों ने क्या किया था, इन जो नर्मदा पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उस पर क्या किया था, एक आंदोलन किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब ये यहाँ पे छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है जिसमें मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया का बताया हुआ है। थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे जैसे हमने नर्मदा रिवर पर का पड़ा है तो ये रही नर्मदा रिवर जो कि विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में से फ्लो करती है। दिस इज ऑल अबाउट द महेश्वर डैम नर्मदा रिवर। थैंक यू।